Hello friends, welcome to my channel Science Learner. Again I brought this video. It is based on the MCQ of subject Pharmaceutics 1 for the new syllabus student as well as the old syllabus student of the D Pharma first year jinka exam ab January 11 se hai. और ये MCQs based आपको इस बार ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि जितने भी आपके 30 मार्क्स एंड प्लस 20 मार्क्स आपका वन वर्ड आंसर्स पे रहेगा. तो ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, यू गिव मोर स्ट्रेस ऑन द MCQ. और जो एग्जिट एग्जाम भी कभी फ्यूचर में जब भी होगा तो उस टाइम भी ये सारे MCQs ही आपको हेल्प करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस MCQs ऑफ फार्मास्यूटिक्स 1 चैप्टर 1. और ये लास्ट है और ये फार्माकोपिया पे बेस्ड है. फार्माकोपिया पे एक लॉन्ग क्वेश्चन एंड ये शॉर्ट क्वेश्चंस आना कंपल्सरी है. सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड. इंडियन फार्माकोपिया सबसे पहला एडिशन कब आया था, कौन सी ईयर में आया था. ऑप्शन ए इज 1944, बी इज 1955, सी इज 1847, डी इज 1966. सो करेक्ट आंसर इज 1955. Now second question is, which is the latest edition of the Indian Pharmacopoeia published? यानी कि अभी जो latest Indian Pharmacopoeia ये हर ये change होता रहता है और जो अभी latest edition चल रहा है वो कब हुआ है. तो आपकी book में भी नहीं है but ये current affairs में है और ये आपको मालूम होना चाहिए कि अभी अभी ये edition कब आया. तो ये है इसका answer. इस साल क्या चल रहा है, 2022. तो 22 में ही आया, 9th edition it is. So correct answer is A, 9th edition IP 2022. ये लेटेस्ट है, ये आपके सिलेबस वाले बुक में भी अभी नहीं मिलेगा. ये अभी रिसेंटली ये एडिशन इंट्रोड्यूस हुआ है, 9th एडिशन. बुक में अभी तक 8th एडिशन दिया हुआ है बट अभी रिसेंटली 9th एडिशन IP का आ गया है. दैट इज सेम ईयर 2022 का. नाउ थर्ड इज फुल फॉर्म ऑफ NF इज डैश. NF का फुल फॉर्म क्या है. सो ऑप्शन ए इज नेशनल फॉर्म, बी इज नेशनल फॉर्मलरीज, C is nomination file and D is none of these. So NF का correct answer है, that is B, national formulary. Now fourth question is, in dash first edition of NFI was published by government of India, ministry of health. So NFI यानी कि this same national formularies of India, ये इसका first edition कब आया था, ये भी आपके सिलेबस में और ये पूछा भी जा सकता है. सो लेट्स सी द ऑप्शन. ए ऑप्शन है 1960 में, बी है 1955 में, सी है 1956 में एंड डी इज नन ऑफ दिस. सो करेक्ट आंसर ऑफ NFI इज 1960. फिफ्थ क्वेश्चन इज IPA फुल फॉर्म. IPA का फुल फॉर्म क्या है. तो ऑप्शन देख लेते हैं. ए इज इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, B is Indian Pharmaceutical Association, C is Indian Pharmacy Association and D is none of these. So question देखिए IPA है. I से international तो नहीं हो सकता, तो ये तो कट हो गया. I से अब Indian है. अब ये दो चीजों में देखना है कि pharmaceutical है कि pharmacy है. So correct answer is B, Indian Pharmaceutical Association. ठीक है, Indian Pharmaceutical Association. Now sixth question is CSIR full form क्या है. बहुत ये important है abbreviation, ये पूछा जा सकता है CSIR. So option देख लेते हैं. Council of Scientific and Industrial Research, B is Council of Science and Indian Research, C is Conference of Science and Indian Research, D is none of this. So C sir उसको short में बोल सकते हैं. तो यहाँ पे देख रहे हैं सी कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, कॉन्फ्रेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे. सी जो है काउंसिल करेक्ट है. अब ए है साइंटिफिक, बी है साइंस एंड इंडस्ट्रियल. तो एस से जो है साइंटिफिक है, आई से जो है इंडस्ट्रियल है, इंडियन नहीं है वो. सो करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज British Pharmacopoeia was published as a London Pharmacopoeia in year dash. तो यहाँ पे British Pharmacopoeia, ये भी important क्यों question बन जाता है, क्योंकि हमारा जो Indian Pharmacopoeia था
जब हमारे पास हमारा अपना फार्माकोपिया नहीं था, यानी कि ये एक तरह की बुक होती है जिसमें मोनोग्राफ्स वगैरह होते हैं, यानी कि किसी भी एक कंपाउंड पे उसका सारा चीज़, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, तो उसको फार्माकोपिया बोलते हैं। तो जब हमारा अपना इंडियन फार्माकोपिया नहीं था, तो हमारे देश में भी, क्योंकि अंग्रेज लोग हम पे हुकूमत करते रहते, तो हमारा फार्माकोपिया तो था नहीं, तो हम क्या फॉलो करते थे, ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ये जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, सबसे पहला पब्लिश वो कब हुआ था, और ये पहले उसका नाम लंदन फार्माकोपिया रखा गया था, तो ये कब हुआ था, जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं। 1618 ए ऑप्शन, बी इज 1718, सी इज 1818 एंड डी इज नन ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर है, बहुत पुराना है ये, इसका आंसर है 1618, बहुत पुराना है। 18 भी कोई सोचेंगे कि 18 का है, तो 18 नहीं है। 8th क्वेश्चन, फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी, आईपी इज इंडियन फार्माकोपिया, वॉज पब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, इसके चेयरमैनशिप किनके लीडरशिप में ये काम हुआ था, फर्स्ट एडिशन के चेयरमैनशिप कौन थे। तो ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, ए इज डॉक्टर बी एन घोष, डी इज डॉक्टर के एन रेड्डी, सी इज सी एस आर मुरली एंड डी इज एम जे कोठारी। तो फर्स्ट एडिशन जो था, क्योंकि ये बंगाल में पहले बहुत सारे फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मुलरीज वगैरह पब्लिश हो गया था, तो ये बंगाल के थे, बंगाल की तरफ हैं, तो करेक्ट आंसर इसका है ए, डॉक्टर बी एन घोष। नाउ नाइन्थ इज, इन नाइन्थ क्वेश्चन इज, इंट्रेंस टेस्ट फॉर द एम फार्मा इज, ये तो बहुत बच्चों को मालूम होगा कि एम फार्मा में जब हम गवर्नमेंट सीट के लिए इंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट का नाम क्या है। ऑप्शन इज एम पैट, बी इज जी पैट, सी इज सी टी टी एंड डी इज नन ऑफ दिस। सो मोस्टली लोगों को मालूम ही होगा, दिस इज जी पैट, बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1947 इन डैश, जो फर्स्ट सेंट्रल ड्रग, जितने भी फर्स्ट फर्स्ट हैं आपके बुक में, जितना भी फर्स्ट चीज़ें जो मेंशन है, जैसे फर्स्ट फार्माकोपिया एडिशन कब आया है ना, फिर ये लेबोरेटरी कब बना, फिर फर्स्ट कॉलेज कहाँ फार्मेसी का इस्टेब्लिश होता है, ये सारे फर्स्ट वाले तो याद रख लेना ही है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं, और मैंने फर्स्ट चैप्टर में से पूरा पूरा कवर किया है, कोई भी एक पॉइंट छोटा नहीं है, तो इसके पहले भी आप देख सकते हैं पूरे वीडियोस। अब इसका ऑप्शन जल्दी से देख लेते हैं कि फर्स्ट सेंट्रल लेबोरेटरी कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, तो आपको जगह का नाम बताना है, ए इज मद्रास, बी इज कलकत्ता, सी इज गोवा एंड डी इज नैम। तो जैसे मैंने कहा कि सारी चीज़ें पहले कलकत्ता से, ये सब चीज़ें बहुत वहाँ एक्टिव थे, तो करेक्ट आंसर इज कलकत्ता। सो दिस आर द 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ये फार्मास्यूटिक्स का अब फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, इसके 3 पार्ट आई हैव अपलोडेड, इसके साथ सोशल फार्मेसी का भी और एक फार्माकोग्नोसी का भी आपका आपको मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, और जितने भी अपडेट्स आते हैं पीसीआई के आते हैं या फिर राजीव गांधी के आते हैं या फिर जो भी आपसे फार्मेसी से रिलेटेड जो भी अपडेट हैं, वो मेरे चैनल से मिलता रहेगा आपको। बस मेरे चैनल से बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ भी आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।